Each of us has a purpose. We are destined to do something meaningful, not only to support our loved ones, but to positively impact our communities throughout the country. What do you think a private Christian education looks like? Grand Canyon University graduates 25,000 students yearly and offers more than 225 high quality programs across nine colleges. Find your purpose at GCU. Visit gcu.edu. निजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के बीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत सवेरे उठा हाथ मुंह धोकर गंगा स्नान किया और चौधरी से मिलने चला चौधरी का नाम गूदड़ था इस गांव में कोई जमींदार न रहता था गूदड़ का द्वार ही चौपाल का काम देता था अमर ने देखा नीम के पेड़ के नीचे एक तख्त पड़ा हुआ है दो तीन पुआल के गद्दे, गूदड़ की उम्र साठ साल की लगभग थी मगर अभी टाठा था उसके सामने उसका बड़ा लड़का पयाग बैठा जूता सी रहा था दूसरा लड़का काशी बैलों को सानी पानी कर रहा था मुन्नी गोबर निकाल रही थी तेजा और दुर्जन दोनों दौड़ दौड़ कुएं से पानी ला रहे थे जरा पूरब की ओर हटकर दो औरतें बर्तन मांज रही थीं ये दोनों गूदड़ की बहुएं थी अमर ने चौधरी को राम राम किया और एक पुआल की गद्दी पर बैठ गया चौधरी ने पितृभाव से उसका स्वागत किया मजे में खाट पर बैठो भैया मुन्नी ने रात ही कहा था अभी आज तो नहीं जा रहे हो दो चार दिन रहो फिर चले जाना मुन्नी तो कहती थी तुमको कोई काम मिल जाए तो यहीं टिक जाओगे अमर ने सकुचाते हुए कहा हां कुछ विचार तो ऐसा मन में आया था गुदड़ ने नारियल से धुआं निकालकर कहा काम की कौन कमी है घास भी कर लो तो रुपये रोज की मजूरी हो जाए नहीं जूते का काम है तल्लियाँ बनाओ चरसे बनाओ मेहनत करने वाला आदमी भूखों नहीं मरता धैली की मजूरी कहीं नहीं गई ये देखकर कि अमर को इन दोनों में से कोई तजवीज पसंद नहीं आई उसने एक तीसरी तजवीज पेश की खेती बारी की इच्छा हो तो खेती कर लो सलोनी भाभी के खेत है तब तक वही जो तो ने सूझा चलाते हुए कहा खेती की झंझट में न पड़ना भैया चाहे खेत में कुछ हो या न हो लगान जरूर दो कभी ओला पाला कभी सूखा बूढ़ा एक न एक बला सिर पर सवार रहती है उस पर कहीं बैल मर गया या खलिहान में आग लग गई तो सब कुछ स्वाहा घास सबसे अच्छी न किसी के नौकर न चाकर, न किसी से लेना न देना सवेरे उठाई और दोपहर तक लौट आए काशी बोला मजूरी मजूरी है किसानी किसानी है मजूर लाख हो तो मजूर ही कहलाएगा सिर पर घास लिए जा रहे हैं कोई इधर से पुकारता है वो घास वाले कोई उधर से किसी की मीड़ पर घास कर लो तो गालियां मिले किसानी में मर्जाद है पयाग का सूजा चलना बंद हो गया मर्ज़ाद लेके चाटो इधर उधर से कमा के लाओ वो भी खेती में झोंक दो चौधरी ने फैसला किया घाटा नफा तो हर एक रोजगार में है भैया बड़े बड़े सेठों का दिवाला निकल जाता है खेती के बराबर कोई रोजगार नहीं जो कमाई और तकदीर अच्छी हो तुम्हारे यहां भी नजर नजराने का यही हाल है भैया अमर बोला हाँ दादा सभी जगह ये हाल है कहीं ज्यादा कहीं कम सभी गरीबों का लहू चूसते हैं चौधरी ने स्नेह का सहारा लिया भगवान ने छोटे बड़ों का भेद क्यों लगा दिया इसका मरम समझ में नहीं आता उसके तो सभी लड़के हैं फिर सबको एक आंख से क्यों नहीं देखता प्रयाग्न शंका समाधान की पूरब जन्म का संस्कार है जिसने जैसे कर्म किए वैसे फल पा रहा है चौधरी ने खंडन किया ये सब मन को समझाने की बातें हैं बेटा जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर संतोष रहे और अमीरों के राग रंग में किसी तरह की बाधा न पड़े लोग समझते रहे कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया आदमी का क्या दोष पर ये कोई न्याय नहीं है कि हमारे बाल बच्चे तक काम में लगे रहें और भरपेट भोजन न मिले और एक एक अफसर को दस दस हजार की तलब मिले दस तोड़े रुपए हुए गधे से भी ना उठें अमर ने मुस्कुरा कर कहा तुम तो दादा नास्तिक हो चौधरी ने दीनता से कहा बेटा चाहे नास्तिक कहो चाहे मूर्ख कहो पर दिल पर चोट लगती है तो मुंह से आह निकलती ही है तुम तो पढ़े लिखे हो जी हाँ कुछ पढ़ा तो है अंग्रेजी तो ना पढ़ी होगी नहीं कुछ अंग्रेजी भी पढ़ी है चौधरी प्रसन्न होकर बोला तब तो भैया हम तुम्हें न जाने देंगे बाल बच्चों को बुला लो और यहीं रहो हमारे बाल बच्चे भी कुछ पढ़ जाएंगे फिर शहर भेज देंगे वहां जात बिरादरी कौन पूछता है लिखा दिया हम छतरी हैं अमर मुस्कुराया और जो पीछे खुल गया चौधरी का जवाब तैयार था तो हम कह देंगे हमारे पूर्वज छत्री थे हालांकि अपने को छत्री वेश कहती ला जाती है सुनते हैं छत्री लोगों ने मुसलमान बादशाहों को अपनी बेटियां ब्याही थी अभी कुछ जलपान तो न किया होगा भैया कहाँ गया तेजा बहू से कुछ जलपान करने को लिया भैया भगवान का नाम लेकर यहीं टिक जाओ तीन चार बीघे सलोनी के पास हैं दो बीघे हमारे साझे में कर लेना इतना बहुत है भगवान दें तो खाए ना चुके लेकिन जब सलोनी बुलाई गई और उससे चौधरी ने प्रस्ताव किया तो वो बिचक उठी कठोर मुद्रा से बोली तुम्हारी मंशा है अपनी जमीन इनके नाम करा दूं और मैं हवा खाऊं यही तो चौधरी ने हंसकर कहा नहीं नहीं जमीन तेरे ही नाम रहेगी पगली ये तो खाली जूतेंगे, यही समझ ले कि तू इन्हें बटाई पर दे रही है सलोनी ने कानों पर हाथ रखकर कहा भैया अपनी जगह जमीन में किसी के नाम नहीं लिखती यो हमारे पाहुने हैं दो चार दस दिन रहे मुझसे जो कुछ होगा सेवा सत्कार करूंगी तुम बटाई पर लेते हो तो ले लो जिसको कभी देखा न सुना न जान न पहचान उसे कैसे बटाई पर दे दूं प्रयाग ने चौधरी की ओर तिरस्कार भाव से देखकर कहा भर गया मन या अभी नहीं कहते हो औरतें मूरख होती हैं ये चाहे हमको तुमको खड़े खड़े बेच लाए सलोनी काके मुंह की मीठी है सलोनी तेना कुठी हाँ जी तुम्हारे कहने से अपने पुरखों की जमीन छोड़ दूं मेरे ही पेट का लड़का मुझे को चराने चला है काशी ने सलोनी का पक्ष लिया ठीक ही तो कहती हैं बेजाने सुने आदमी को अपनी जमीन कैसे सौंप दे अमरकांत को इस विवाद में दार्शनिक आनंद दा आ रहा था मुस्कुराकर बोला हा दादी तुम ठीक कहती हो परदेशी आदमी का क्या भरोसा मुन्नी भी द्वार पर खड़ी ये बातें सुन रही थी बोली पगला गई हो क्या काकी तुम्हारे खेत कोई सिर पर उठा ले जाएगा हम लोग तो हैं ही जब तुम्हारे साथ कोई कपट करेगा तो हम पूछेंगे नहीं किसी भड़के हुए जानवर को बहुत से आदमी घेरने लगते हैं तो वो और भी भड़क जाता है सलोनी समझ रही थी ये सब के सब मिलकर मुझे लुटवाना चाहते हैं एक बार नहीं करके फिर हाना की वेग से चल खड़ी हुई पयाग बोला चुड़ैल है चुड़ैल अमर ने खिसिया कर कहा तुमने नहाक उससे कहा दादा मुझे क्या ये गांव न सही और गांव सही मुन्नी का चेहरा फक हो गया गुदर बोले नहीं भैया कैसी बातें करते हो तुम मेरे साझीदार बनकर रहो महंत जी से कहकर दो चार बीघे का और बंदोबस्त करा दूंगा तुम्हारी झोपड़ी अलग बन जाएगी खाने पीने की कोई बात नहीं एक भला आदमी तो गांव में हो जाएगा नहीं कभी एक चपरासी गांव में आ गया तो सबकी सांस तले ऊपर होने लगती है आध घंटे में सलोनी फिर लौटी और चौधरी से बोली तुम ही मेरे खेत क्यों बटाई पर नहीं ले लेते चौधरी ने घुड़क कर कहा मुझे नहीं चाहिए धरे रहे अपने खेत सलोनी ने अमर से अपील की भैया तुम ही सोचो मैंने कुछ बेजा कहा बेजाने सुने किसी आदमी को कोई अपनी चीज दे देता है अमर ने सांत्वना दी नहीं कहा कि तुमने बहुत ठीक किया इस तरह विश्वास कर लेने से धोखा हो जाता है सलोनी को कुछ ढांडा हुआ तुमसे तो बेटा मेरी रात ही भर की जान पहचान है ना जिसके पास मेरे खेत आजकल हैं वो तो मेरा ही भाई बंद है उससे छीन कर तुम्हें तो दे दूं तो वो अपने मन में क्या कहेगा सोचो अगर मैं अनुचित कहती हूं तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो वो मेरे साथ बेईमानी करता है ये जानती हूं पर है तो अपना ही मास। उसके मुंह की रोटी छीन कर तुम्हें तो दे दूं तो तुम मुझे भला कहोगे बोलो सलोनी ने यह दलील खुद सोच निकाली थी या किसी और ने सुझा दी थी पर इसने गूदड़ को लाजवाब कर दिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के बीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में